ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार अप्रैल महीने में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इससे पूर्व या मई में घोषित किया जाता था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि बोर्ड के इतिहास में पहली बार अप्रैल महीने में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इससे पूर्व ये मई में घोषित किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस बार 10वीं कक्षा के परीक्षा में 1,11,980 छात्र बैठे थे। इनमें से 58,164 छात्र व 53,308 छात्राएं शामिल थी। 67,319 छात्र पास हुए और 1,240 अनुपस्थित थे। इस प्रकार रिजल्ट 60.79% रहा। उन्होंने बताया कि 6,395 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। उन्होंने बताया कि इस बार 39 छात्रों ने मेरिट हासिल की है, जिसमें 28 लड़कियां व 11 लड़के शामिल है। इस प्रकार एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। गीतांजलि पब्लिक स्कूल गलोल धनेटा के अथर्व ठाकुर ने 98.71 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 98.57% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल नमोल के ध्रुव शर्मा व एंग्लो संस्कृत मॉडल स्कूल मंडी की रिधि शर्मा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर चेक कर सकते हैं। मैट्रिक का परीक्षा परिणाम 60.79% ऐसा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में अगर आप देखें तो ये प्रतिशतता थोड़ी गिरी है। 2017-18 में 63.39 था, 2016-17 में 67.57, 2015-16 में 66.88 था। अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है इसमें कुल छात्र जो बैठे थे परीक्षा देने 1,11,980, जिनमें से 67,319 पास हुए हैं और कुल जो फेल हुए हैं वो 36,892 और कंपार्टमेंट जिन छात्रों छात्रा और छात्राओं की है वो 6,395 है। ऐसे है सर, रिजल्ट लो रहने का क्या कारण रहा है? रिजल्ट लो रहने का कारण सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त बहुत फेयर एग्जाम हुआ, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हुआ है। सारे अध्यापकों ने नकल रोकने का प्रयास किया है और ये नकल रोकने का प्रयास जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि छात्रों को मीठा जहर जो नकल के रूप में जो लेते थे उससे रोका जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो ये कार्य सब हुआ है, तब थोड़ा गिरा है। प्रदेश भर में कौन सर मेरिट में जो है पहले स्थान पहले तीन स्थानों पर रहे? पहले स्थान पर छात्र हमीरपुर से हैं, अथर्व ठाकुर, गीतांजलि पब्लिक स्कूल, ये धनेटा के पास है। और दूसरे स्थान पर ये पहला जो छात्र है इसने 692 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरी मेरिट लिस्ट में जो आए छात्र आए हैं उनका नाम है पारस, मंडी से है, 690 अंक प्राप्त किए हैं। और दूसरी पोजीशन से बिलासपुर से सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल नमोल से हैं, 690 अंक प्राप्त करके। और दूसरी पोजीशन में एक छात्रा है मंडी से, 690 अंक हैं, रिधि शर्मा। और तृतीय पोजीशन पे जो रहे हैं वो शिमला से कोम्पल जिंटा, ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोहड़ू से। ऐसे कुल मिलाकर यदि मेरिट को अगर हम देखें तो 39 मेरिट्स आई हैं पहले 10 पोजीशंस पे।